What's up guys, this is Remo। तो ये रहा हमारा इंडिया एकदम सबसे हरा भरा, और आज हम देखने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे यूनिक स्टार्टअप्स जो बिल्कुल ही कुछ हटके कर रहे हैं इस पूरी दुनिया भर में से। नहीं, मैं आपके सामने स्काई रूट, प्राग या क्रेड जैसे स्टार्टअप्स की बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि कुछ ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने कुछ अलग करने की ठान ली है और जो एक अलग ही लेवल में बवाल मचा रहे हैं, और हाँ कुछ नया कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इस बिजनेस वर्ल्ड में। तो बहुत कुछ नया सीखने को और देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में कि किस टाइप के यूनिक स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस लिस्ट के पांचवें नंबर के स्टार्टअप से। अच्छा, नॉर्मली जो हम सेल यूज करते हैं ये मेनली हार्मफुल केमिकल से बने होते हैं, लेड या मरकरी जैसे केमिकल से। जब हम इन्हें यूज करके फेंक देते हैं तो ये हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं जो कि नेचर के लिए बहुत खराब चीज है, फिर ये लंबे समय तक भी टिक नहीं पाते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये एलओई सेल स्टार्टअप। जी हाँ, बिल्कुल ही नए कंसेप्ट के साथ ये आए हैं। ये सेल बना रहे हैं एलोवेरा से, जी हाँ, जिन्हें हम बॉडी स्किन के लिए, हेयर सॉल्यूशन के लिए और पता नहीं कितनी सारी चीजों के लिए हम एलोवेरा को यूज करते हैं, और अब तो सेल्स बनाने के लिए भी यूज हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे पक्का महंगा होगा, पर आपको बता दूं ये 10% सस्ता है नॉर्मल सेल से और ज्यादा लंबा भी चलेगा नॉर्मल सेल से, और मेड इन इंडिया है तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी भी एकदम टॉप क्वालिटी होगी। आज की डेट में स्टार्टअप सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं हो रहा है, बल्कि कई सारी कंट्रीज में इसको यूज करा जा रहा है। इतने नहीं, कई बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर में भी इस स्टार्टअप को प्रेजेंट किया गया है, जैसे गूगल हो गया, इंटेल, एप्पल, नासा। तो ये बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है। अगर तुम्हारा स्टार्टअप को और नजदीक से देखे तो 2018 से इस कंसेप्ट पर काम चलना चालू हो गया था, 2019 में इन्हें बेस्ट आइडिया का प्राइज मिला, और 2020 तो बस इनका ही साल था। 50 से ज्यादा इंडिया के और इंटरनेशनल मीडिया ने इन्हें कवर करा, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे 2019 में ही। और इन्वेस्टर इनके स्टार्टअप नेक्सस हैं आज की डेट में। फंडिंग अमाउंट इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज किया नहीं अपना। मेन मार्केट आज की डेट में इनकी इंडिया में ही है, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और बहुत ज्यादा जबरदस्त स्टार्टअप भी है। तो देखना ये है कि आगे अब कितना ज्यादा और ये ग्रो होते हैं। तो फटाफट बढ़ते अपने फोर्थ नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अब अगर इंडिया के स्टार्टअप की बात हो और एग्रीकल्चर स्टार्टअप इस लिस्ट में ना हो तो ये कैसे हो सकता है? तो फोर्थ नंबर स्टार्टअप हमारे एक एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप है। इन्होंने पूरी फार्मिंग को एक स्मार्ट फार्मिंग में बदलने की ठान ली है। अच्छा, होता क्या है, एक किसान की फसल कैसे होगी वो डिपेंड करता है उस किसान ने कितनी अपनी फसलों का ध्यान रखा है, कितना उसको सही लेवल पे उसने पानी दिया है, फिर पेस्टिसाइड्स और केमिकल का कितना अच्छा यूज करा है कि फसल खराब ना हो। और अगर एक किसान ये सब चीजें सही भी कर लेता है तो फिर उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि वेदर प्रॉब्लम्स हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर, सॉइल और भी कई सारी चीजें हैं। तो यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ये फसल स्टार्टअप। जी हाँ, इस स्टार्टअप का नाम ही फसल है। किसानों को सिंपल से इनकी एक मशीन अपने फार्म्स में लगा देनी है और वो मशीन सब कुछ बता देगी कि आपकी क्रॉप्स को कितनी पानी की जरूरत है, कितना टेम्परेचर परफेक्ट रहेगा आपकी क्रॉप्स के लिए, कितने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की जरूरत है आपकी क्रॉप्स के लिए। अगर कुछ भी क्रॉप्स में प्रॉब्लम होती है तो इनकी मशीन अलर्ट कर देगी कि सर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसको सही करने की जरूरत है। फिर अगर ज्यादा बारिश होने वाली है या वेदर खराब होने वाला है तो आपको पहले ही अलर्ट कर देगा, और भी कई सारी चीजें जो भी एक फार्मर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत ज्यादा औसम स्टार्टअप है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहीं से भी अभी तक फंडिंग नहीं उठाई अपने स्टार्टअप के लिए, किसी इन्वेस्टर से नहीं बल्कि इनको ग्रांट में फंडिंग मिली है। अच्छा, क्या होता है ग्रांट फंडिंग? ये उन फंडिंग को कहते हैं जो मिलती है गवर्नमेंट से या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी मतलब कोई टेंशन वेंशन नहीं है, और ऑब्वियस ही बात है इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टॉक की फंडिंग मिलना। इन्होंने अभी तक $2 मिलियन के आसपास फंडिंग उठा ली है। थोड़ा सा करीब से और देखे स्टार्टअप को तो 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है, बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है। अगर इनकी मशीन की प्राइस की बात करें तो 30,000 से 50,000 तक इनकी मशीन और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में लग जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देता है आगे जाके। तो बस अब देखना ये है कब ये पूरे इंडियन मार्केट में अच्छी तरीके से फैलते हैं। तो अभी बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, अगर आप जॉब वगैरह करते होंगे या आपके घर में कोई जॉब वगैरह करने वाले होंगे तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि महीने के अंत तक सारी सैलरी खत्म हो जाती है या यूज हो जाती है एक्सपेंसेस में, फिर या तो किसी दोस्त से मांगने पड़ते हैं या फिर कहीं से बोरो करना पड़ता है। तो यही सिचुएशन किसी को भी फेस ना करना पड़े, यहीं पर स्टार्टअप हेल्प में आता है कारवा। ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, अगर कोई जॉब वाले लोग हैं और उन्हें महीने के अंत तक कुछ पैसों की नीड है तो उन्हें दूसरे लोगों से मांगने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो अपने खुद ही के नेक्स्ट मंथ की सैलरी से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं और फिर बाद में वो अमाउंट उनकी सैलरी से काट लिया जाएगा। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है कि आप अपने ही पैसे एडवांस में निकाल सकते हो। अच्छा, अमाउंट कितना निकाल सकते हैं कोई भी? तो 30% सैलरी का वो इजिली कोई भी निकाल सकता है, या मैक्स 10,000 रुपए तक। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि ये सर्विस तो क्रेडिट कार्ड वाले भी देते हैं, इस स्टार्टअप की क्या जरूरत है? जी हाँ, सब क्रेडिट कार्ड वाले इंटरेस्ट भी हाई चार्ज करते हैं, पर अगर इस स्टार्टअप को देखे तो ये अभी ना के बराबर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है यूजर को। अगर थोड़ा सा करीब से देखे स्टार्टअप को तो 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है, फंडिंग इन्होंने अभी तक नहीं उठाई है। ऑडियंस या कहूँ कि इनकी मेन मार्केट अभी सिर्फ इंडिया में ही है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ से ये आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कभी ये पूरी दुनिया भर में फैलते हैं। तो अभी बढ़ते हैं फटाफट अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। आज की डेट में इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जोरों धोरों से बढ़ रहा है और हर एंटरप्रेन्योर को एक लेवल पे पहुंच के एक प्रॉब्लम जरूर आती है फंडिंग की।
कि भाई फंडिंग चाहिए और ज्यादा स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। अब अगर फंडिंग उठाओ तो स्टार्टअप की स्टेक देने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली बात है जितने स्टेक्स आपके कम होते जाएंगे आपकी स्टार्टअप से डिसीजन लेने की पावर भी कम होती जाएगी। और अगर बैंक वगैरह से या दोस्तों से आप लोन वगैरह उठाते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करना पड़ेगा कि भाई पैसे वापस भी देने हैं। तो यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं ये गेटवेंटेज स्टार्टअप। अच्छा कैसे कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व? ये इन्होंने पहली बार इंडिया में रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। क्या होता है ये रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग कंसेप्ट? इसमें आपको अपने स्टार्टअप के शेयर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, सारे शेयर या कहूँ की ऑनरशिप आपकी होगी। ये थोड़ा सा हटके काम करते हैं, इन्हें आपके स्टार्टअप के ऑनरशिप से या डिसीजन से मतलब नहीं होता। बस इनको हर साल या कहूँ कि हर महीने कुछ परसेंट रेवेन्यू चाहिए होता है आपके स्टार्टअप के रेवेन्यू में से। तो ऑब्वियसली बात है ये स्टार्टअप उनमें ही इन्वेस्ट करता है जिनका कैश फ्लो अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पर दोनों को फायदा हो जाता है, जिन्हें फंडिंग चाहिए उन्हें फंडिंग मिल जा रही है, और सबसे बड़ी बात बिना अपने स्टेक्स दिए फिर बैंक की तरह एक फिक्स टाइम में आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है या ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। और हाँ, ये स्टार्टअप को अपना रेवेन्यू मिल जाता है। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर थोड़ा सा नजदीक से देखें स्टार्टअप को तो 2019 में ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है। अच्छा, इस स्टार्टअप ने भी शुरुआती टाइम में फंडिंग उठाई अपनी जल्दी से इंडियन मार्केट में ग्रो होने के लिए। फंडिंग अमाउंट कुछ $5 मिलियन के आसपास था, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया स्टार्टअप आज की डेट में। तो बहुत ज्यादा काम में भी आने वाले स्टार्टअप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आगे टाइम में। और ऐसे स्टार्टअप हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जितना स्टार्टअप कल्चर बढ़ेगा इंडिया में उतने ही स्टार्टअप की और ज्यादा नीड बढ़ेगी। तो अभी हम निकल के आगे अपने लिस्ट के पहले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, आज की डेट में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है जो हर किसी को फेस करनी पड़ती है कि भाई शादी में, पार्टी में या मीटिंग वगैरह में कौन से कपड़े पहने। और अगर कोई बढ़िया से ड्रेसेस मिल भी जाते हैं तो उनका प्राइस टैग भी बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉब्लम है, पर फ्लायर रोब स्टार्टअप ने इसी प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा है रेंट का, कि कोई महंगी से महंगी ड्रेसेस इनकी वेबसाइट में रेंट पे ले सकता है एक या दो दिन के लिए, और जब भी आपका काम हो जाता है तो आप उस ड्रेस को वापस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात इनके स्टार्टअप की, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के फैशन स्टाइल को फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं खास यही सेम ड्रेस मैं भी पार्टी में पहन के जा सकता तो कितना सही होता। तो यहाँ पर भी स्टार्टअप हेल्प में आ जाता है। इन्होंने लगभग कई पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की बेस्ट आउटफिट्स भी अपने वेबसाइट में लिस्ट करा रखी हैं, तो उन्हें भी आप आराम से रेंट पे ले सकते हैं एक या दो दिन के लिए, वो भी सस्ते सस्ते प्राइस में। तो ये स्टार्टअप लड़कों का तो पता नहीं, पर लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प में आ रहा है स्टार्टअप आज की डेट में। अगर थोड़ा सा और देखें स्टार्टअप के बारे में, तो 2015 में स्टार्टअप पे काम चलना चालू हो गया था। अच्छा खासी $10 मिलियन तक इन्होंने फंडिंग भी उठा चुके हैं आज की डेट में। ये आज की डेट में इनकी मेन मार्केट इंडिया के साथ अमेरिका में भी हो चुकी है, तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहे हैं। बस अब देखना है कि कब ये पूरी दुनिया भर में पॉपुलर होंगे। तो और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो flyerob.com। तो यही थे कुछ इंडिया के यूनिक स्टार्टअप जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। और आपको कैसे लगे स्टार्टअप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।